वेलकम बैक। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले ये सीखा कि कैपेसिटर्स ऐसा एक कॉम्पोनेंट है जो कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन झटके में सारा एनर्जी रिलीज कर सकता है, राइट? फिर हमने ये देखा कि कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, हाफ सीवी स्क्वायर। तो एनर्जी मिलता कहाँ से उसको? बैटरी सप्लाई करता है। तो ये सारा चीज़ हमने सीख लिया। इस पूरे प्रोसेस में और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिसको मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी ऐसा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड आई हैव टेकन द कैपेसिटर टू बी इनिशियली एम्प्टी, अनचार्ज्ड। मतलब इनिशियली इस कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, याद रखना, लेकिन खाली था ये कैपेसिटर। फिर हमने क्या किया, एक बैटरी लगाया उसके साथ, ठीक है? अच्छा, बैटरी लगाने के साथ साथ क्या होगा, हमको पता क्या होता है, वी ऑल नो कि बैटरी क्या करेगा। ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस प्लेट से माइनस क्यू चार्ज को खींच के लेके आएगा और इस प्लेट को माइनस क्यू दे देगा। और हमको ये पता है कि माइनस क्यू अगर यहाँ से खींच के लेके आता है, ये माइनस क्यू लेके आएगा, मतलब माइनस क्यू का डेफिशिएंसी, उसको हम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी माइनस क्यू को इस प्लेट में दिया जाता है, तो इस प्लेट में कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। लेकिन मैं एक चीज़, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट मैं तुमको आज बोलना चाहूँगा। एक बात बताओ, तुम बोलना सही या गलत है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर माइनस क्यू जा रहा है, कैन आई से प्लस क्यू आ रहा है? बात तो एक ही है ना, यहाँ से अगर माइनस क्यू जा रहा है, आई कैन से प्लस क्यू आ रहा है इसके पास। टेक्निकली बात तो एक ही है। तो ये लॉजिक मैं यूज़ करूँगा बिकॉज दिस विल मेक अवर डिस्कशन ईजी। तो आज के बाद से मैं ऐसा कहूँगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इट इज़ सप्लाइंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लस क्यू टू द प्लेट, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज सप्लाइंग ए चार्ज ऑफ माइनस क्यू टू दिस प्लेट। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाइज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाइज नेगेटिव चार्ज। देखो एक्चुअली अंदर क्या होता है, मैंने बता दिया, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में सप्लाई किया जाता है, लेकिन इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है प्लेट को, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, ये तो हमको समझ में आ गया। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये टर्मिनल अगर इस प्लेट को चार्ज सप्लाई करता है, मतलब चार्जेस इसके पास जा रहे, नाउ माय क्वेश्चन इज, चार्ज क्यों मूव करेगा? Why will the charge move? Why will the charge move from the positive terminal of the battery to this plate? What is the reason behind this? मैंने already discuss किया है, charges को motivate कौन करता है, charges क्यों move करेगा? Charges इसलिए move करता है because उनको potential difference दिखता है। Potential difference is the motivating factor behind the movement of charges. जितना ज़्यादा potential difference होगा, उतना fast charges move करेगा, और charges एक जगह से दूसरे जगह तक तब तक मूव करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। रिगार्डिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इनिशियली क्या है, देखो इनिशियली कैपेसिटर प्लेट खाली था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, और ये बैटरी टर्मिनल क्या करेगा, इसके पास दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दोनों का पोटेंशियल अलग था, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई करते जाएगा। द पॉजिटिव टर्मिनल विल बी सप्लाइंग चार्ज एंड द नेगेटिव टर्मिनल विल बी सप्लाइंग नेगेटिव चार्ज। बट द क्वेश्चन इज, ये टर्मिनल्स कब तक चार्ज सप्लाई करते रहेगा? जब तक इस टर्मिनल का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में आया? अंटिल एंड अनलेस इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक वो चार्ज भेजते जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो कहता हूँ, इस प्लेट के पोटेंशियल को अगर मैं जीरो कहता हूँ, और ये टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसके पोटेंशियल को अगर मैं वी कहता हूँ, कह ही सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं रेफरेंस चूज कर लिया, इसको जीरो माना, तो ये क्या होगा, वी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस जीरो वी ही रहेगा, कोई गलत नहीं है इस थॉट में। तो ये अगर जीरो है, जिस वक्त चार्ज फ्लो करना इस प्लेट में बंद हो जाएगा, दैट मीन्स और चार्ज फर्दर फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि इस प्लेट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहां से इस प्लेट तक जब चार्ज जाना बंद कर देगा, तब हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल अगर वी है, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या होगा, वी ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स व्हाट,
It finally means that the potential difference across the capacitor will be same, finally will be same as the potential difference across the battery terminals. जब तक बैटरी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर के बराबर ना हो जाए तब तक बैटरी क्या करेगा, कैपेसिटर प्लेट को चार्जेस भेजते जाएगा और फाइनली एक वक्त आएगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना बैटरी के अक्रॉस, उसके बाद से और चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। उस वक्त को हम कहते हैं दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। याद है ना हमने क्या सीखा है, द चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट, सी वी। What is V? V is the potential difference across the capacitor. And finally, दोनों का potential difference same हो जाएगा and the amount of charge stored on the capacitor plates will be equal to Q equal to C. ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया? Okay, fine. पूरा कहानी clear है? अच्छा, और एक important बात फिर से कह रहा हूँ, इसके पास कितना charge है? Q. पहले इस plate के पास कितना charge था? कुछ भी नहीं था। अभी कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। इसका मतलब है कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने टोटल में पूरे प्रोसेस में कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, क्यू चार्ज सप्लाई किया होगा, बिकॉज ये पहले तो खाली था, फाइनली क्यू चार्ज आया, तो कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, क्यू चार्ज, इसने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, माइनस क्यू चार्ज टोटल में। ठीक है, अच्छा अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो तुमको ऑलरेडी पता है। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, इसके पास एनर्जी होगा, कितना एनर्जी है इसके पास देखते हैं। टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर मैंने लिख के रखा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनली कितना एनर्जी होगा इसका, ये एक फॉर्म है याद है ना, क्यू वी बाई टू माइनस इनिशियली कैपेसिटर प्लेट पूरा खाली था, इसके पास कोई एनर्जी नहीं था, तो हमने क्या लिखा, क्यू वी बाई टू माइनस जीरो, दैट मीन्स फाइनली आफ्टर फुल्ली चार्जिंग द कैपेसिटर विल बी स्टोरिंग एन एनर्जी इक्वल टू क्यू वी बाई टू। वी ऑल नो दिस राइट, हमने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस किया, याद है ना ये सारी चीज़ें। ओके, मज़ा तो अभी आएगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा समझ में आया, एनर्जी स्टोर हो गया, हमको ये भी पता है कि ये एनर्जी किसने दिया होगा, ये एनर्जी बैटरी ने दिया होगा, इज दैट क्लियर। अभी थोड़ा बैटरी को लेकर डिस्कस करते हैं कि बैटरी के साथ क्या हुआ है, ठीक है ना। ओके, हमने जैसे अभी जस्ट नाउ डिस्कस किया कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, क्यू चार्ज सप्लाई किया। एक बात समझो फिर से बेसिक्स, अगर मैं कहता हूँ कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्या बोला मैंने, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कोलम चार्ज बैटरी के थ्रू पास करता है, अगर एक कोलम चार्ज बैटरी के थ्रू पास करता है या बैटरी भेजता है, तो वो कितना एनर्जी लेके जाता है, V जूल्स पर कोलम, मतलब V जूल्स एनर्जी लेके जाता है एक कोलम चार्ज अगर पास करता है। और हमको पता है कि इस कहानी में बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास किया है, क्यू चार्ज पास किया। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस केस, बैटरी ने इस पूरे कहानी में कितना काम किया, एक कोलम चार्ज फ्लो करेगा तो कितना काम करेगा, वी काम करेगा, बैटरी के थ्रू क्यू कोलम ऑफ चार्ज पास किया है, तो बैटरी ने पूरे प्रोसेस में कितना काम किया, प्लस क्यू वी, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, दैट इज प्लस क्यू वी। तुमने एक चीज नोटिस किया, मैंने बार बार प्लस क्यू वी कहा, वर्क डन बाय बैटरी प्लस क्यू वी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस कि मैं बार बार प्लस क्यू वी कह रहा हूँ, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट प्लस। देखो यू ऑलरेडी नो दैट वर्क डन का साइन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क डन, इज दैट क्लियर। तो साइन हम कैसे पुट करते हैं, अगर सिस्टम को एनर्जी दिया जाता है देन वी से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर हम सिस्टम से उस वर्क डन के कारण उस सिस्टम से एनर्जी निकलता है देन वी से दैट वर्क डन इज व्हाट, नेगेटिव। याद है ना, अभी मैंने बैटरी को पूछा, बैटरी ये बताओ तुमने जो ये क्यू चार्ज भेजा क्या तुमने एनर्जी देके भेजा, तो बैटरी बोला क्या, यस सर देखिए मैं क्यू चार्ज भेज रहा हूँ, अगर मैं चार्ज भेज रहा हूँ तो उनको एनर्जी देके भेज रहा हूँ, और एनर्जी अगर देके भेजा जा रहा है दैट मीन्स वर्क डन इज पॉजिटिव, इज दैट क्लियर। अगर एनर्जी देके भेजा जा रहा है तो वर्क डन इज व्हाट, पॉजिटिव, इज दैट क्लियर। सो दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि वर्क डन बाई द बैटरी इन दिस केस इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज सप्लाइंग चार्ज एंड द चार्ज इज कैरिंग एनर्जी एंड गोइंग टू द कैपेसिटर प्लेट्स, इज दैट क्लियर। अच्छा मैं छोटा सा ट्रिक तुमको बता के रखना चाहता हूँ, कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज सप्लाई करता है, देखो प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, भेज रहा है,
रिसेंडिंग प्लस क्यू चार्ज। अगर पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज पॉजिटिव चार्ज भेजता है तो एनर्जी दे के ही भेजेगा, तब हम उसके वर्कडन का क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। समझ में आया? अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज भेजता है तब वर्क डन बाई बैटरी का साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस चीज को हमेशा याद रखना, ये जो मैंने कहा है। देखो इसका अंदर का कहानी कि बैटरी के अंदर एक्चुअली क्या होता है वो और भी बढ़िया तरीका से समझाऊंगा, लेकिन करंट के चैप्टर में। अभी के लिए इस लॉजिक से काम चलाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज सप्लाई कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है मतलब एनर्जी दे के भेज रहा है, एनर्जी दे के भेज रहा है तो उसका वर्क डन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। उसका रिवर्स क्या होगा, उसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज घुस रहा है, जा नहीं रहा, अगर घुस रहा है, इफ पॉजिटिव चार्ज इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, तब वर्क डन बाय द बैटरी हम नेगेटिव कहेंगे। क्या सर ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बैटरी से निकले ना घुसे अंदर? हो सकता है, हो सकता है। हमारे पास रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं ना, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, सॉकेट में लगा देते हैं फिर वो चार्ज हो जाता है, उसमें यही होता है। उसमें क्या होता है कि बैटरी करंट नहीं भेजता, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करता है। समझ में आया? अच्छा ठीक है, इतना लोड मत लो, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। दैट इज द रीजन हमने वर्क डन बाय द बैटरी को क्या लिखा, प्लस क्यू वी, ठीक है। अच्छा सब समझ में आ रहा है? अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक लोचा तो दिखना चाहिए, देयर इज ए फ्लॉ, देयर इज समथिंग नॉट राइट इन दिस एंटायर स्टोरी। कैन यू फाइंड दैट आउट? बैटरी एनर्जी देता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, क्या मस्त कनेक्शन था दोनों के बीच, राइट? बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, बैटरी ने एनर्जी दिया क्यू वी, और फाइनली कैपेसिटर में जाके स्टोर कितना हुआ, उसका आधा क्यू वी बाई टू। कम ऑन यार, दिया गया था क्यू वी लेकिन स्टोर हुआ फाइनली क्या, क्यू वी बाई टू। तो बाकी का जो दिया गया था क्यू वी बाई टू, बाकी का जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहाँ गया? दैट इज द क्वेश्चन नाउ, कि बाकी का जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहाँ गया? देखो एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूँगा, बहुत सिमिलर है इस कहानी से, बहुत मज़ेदार कहानी है, सच है। मेरा एक स्टूडेंट था, कुछ दो तीन साल पहले मैंने पढ़ाया था उसको, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था लेकिन बहुत बदमाश था। तो स्कूल पे जब फीस जमा करना था ना, जमा करना पड़ता था, तो वो कुछ हज़ार रुपये जैसा फीस था, मुझे याद नहीं, हम जस्ट कोटिंग एन अमाउंट, सोचो अगर हज़ार रुपये का फीस होता था ना तो वो घर में जाके 1500 मांगता था, 1500 मांगता था, ठीक है। तो घर से 1500 लेता था, स्कूल में 1000 डिपॉजिट करता था और 500 का पार्टिकल लेता था। वो फाइनली बहुत महीनों बाद घर में जाके पता चला कि ऐसा करता है वो, लेकिन प्रोसेस समझ में आया ना, लिया कितना 1500, डिपॉजिट कितना किया 1000, 500 का पार्टी। तो यहाँ पर भी ना ऐसा ही कुछ होता है, बैटरी मतलब घर, कैपेसिटर मतलब स्कूल। बैटरी से कितना एनर्जी लिया गया, क्यू वी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया गया, और फाइनली स्कूल पहुँचते पहुँचते स्कूल में जाके मतलब कैपेसिटर में जाके कितना स्टोर हुआ, क्यू वी बाई टू स्टोर हुआ, क्यू वी बाई टू जमा किया गया, और बाकी जो क्यू वी बाई टू है, दैट क्यू वी बाई टू इज बेसिकली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन दिस सर्किट। उसने जो पार्टी किया था उसका एनालॉजी, जो बाकी का क्यू वी बाई टू है वो वेस्ट हो जाता है इस सर्किट में। कैसे? देखो इस लाइफ में, इस दुनिया में किसी चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होता नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कि ये सारे कंडक्टिंग वायर्स हैं, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तब तो ये सोचना गलत है ना। हाँ, ये हमारे डिस्कशन में हमने सिंपली रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, बट एक्चुअली सोच के देखो, ऐसा कोई भी वायर हो सकता है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो? अरे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर खुद का अंदर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं होता? डेफिनेटली होगा, बैटरी के अंदर केमिकल्स होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है, उनका भी रेजिस्टेंस होगा, तो इस पूरे सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। और जब चार्ज किसी रेजिस्टर के थ्रू पास करता है तो वो एनर्जी लॉस करता है, इट लूजेस एनर्जी। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो फाइनली कहानी ऐसा है कि लिया गया था एनर्जी क्यू वी, क्यू वी बाई टू फाइनली कैपेसिटर में डिपॉजिट किया गया, और बाकी का जो क्यू वी बाई टू है दैट इज बेसिकली वेस्टेड एज हीट थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑफ द बैटरी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। समझ में आया? और ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा करेक्ट है, हमेशा वैलिड है, कोई भी सिचुएशन हो, कि वर्क डन बाई द बैटरी
बैटरी ने जितना एनर्जी दिया वो कहाँ कहाँ गया, तुम बताओ? बैटरी ने जो एनर्जी दिया वो कहाँ कहाँ गया? बैटरी ने जो एनर्जी दिया कुछ कैपेसिटी में स्टोर हुआ, कुछ हीट में लॉस हो गया। मैंने भी वही लिख के रखा है, बैटरी ने जो एनर्जी दिया कुछ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया कैपेसिटर में, और कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। घर से जितना पैसा लिया गया था कुछ स्कूल में डिपॉजिट किया गया, और कुछ का पार्टी कर लिया उस बच्चे ने। इज दैट क्लियर? वर्क डन बाय द बैटरी, जितना एनर्जी सप्लाई हुआ कैपेसिटी में स्टोर हुआ और बाकी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया। दिस इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन यहाँ पर कभी भी तुम वैल्यूज पुट करोगे, यू ऑलवेज नीड टू पुट द वैल्यूज अलॉन्ग विद साइन। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने, मुझे हमको हीट निकालना है, ये तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि हीट कितना होगा क्यू वी बाई टू। फिर भी मैं इक्वेशन में तुमके पास दिखा दे रहा हूँ, वर्क डन बाय द बैटरी प्लस क्यू वी लिखना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू, जब डेल यू निकालोगे ना हमेशा लिखना यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और जो भी निकलेगा उसको साइन के साथ ही पुट करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल केस, यहाँ पर साइन का लोचा नहीं है, बिकॉज चेंज इन एनर्जी कितना आया क्यू वी बाई टू, तो तुमने क्यू वी बाई टू पुट कर दिया, तो फाइनली हीट डिसिपेटेड कितना निकला क्यू वी बाई टू। ये तो सीधा सीधा है, लेकिन आगे जाके मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, जस्ट इसके बाद एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा जहाँ पर यू नो साइन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम लोगों ने यू नो लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में हमको साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमको सही आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप सो तुमको ये डिस्कशन समझ में आया वो एनालॉजी के साथ। तुम लोगों ने भी, तुम लोगों में से किसी ने ये तो किया होगा, मुझे पता है, वो फीस वाला जो कहानी मैंने बताया। ठीक है, आई होप सो तुमको वो लॉजिक समझ में आया, इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट मैं तुमको एक प्रॉब्लम डिस्कस करके इस चीज़ को और एक बार एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जस्ट कॉपी इट। ओके, चलो अब हम इस सिनेरियो को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट था, हमने उसको इनिशियली E बाई टू पोटेंशियल तक चार्ज किया। E बाई टू पोटेंशियल तक चार्ज किया मतलब अगर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस E बाई टू है तो चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू सी वी होता है, राइट? तो चार्ज इन दिस केस इनिशियल चार्ज कितना होगा, C इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस E बाई टू तक चार्ज किया तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E बाई टू ही होगा, तो कितना होगा C बाई टू। सो इनिशियल चार्ज ऑन दिस प्लेट्स यहाँ पर कितना होगा, प्लस E बाई टू, और यहाँ पर कितना होगा, माइनस E बाई टू। फिर स्टेप टू में हमने क्या किया, स्टेप टू में उसी कैपेसिटर को लिया और एक नए सर्किट में कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E है। समझ में आया? वी टेक द सेम कैपेसिटर प्लेट जिसमें ऑलरेडी C बाई टू माइनस E बाई टू चार्ज है, और उसको लिया हमने और एक नए सर्किट में कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E। ठीक है ना? ओके, अभी नया पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट विल हैपन, चार्जेस विल अगेन स्टार्ट फ्लोइंग, एंड कब तक फ्लो करेगा, जब तक बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि अभी इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर प्लेट्स, दैट इज C इंटू V, V के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, E लिख देंगे, राइट? दैट मीन्स तुमको जो ये C दिख रहा है, this is the final charge on the capacitor plate after connecting it with the battery having potential difference of E. is that clear? pakka samajh mein aaya? abhi na is problem ke andar thoda ghus ke sochte ki actually hua kya hai is process mein. dekho is baat ko samjho, is plate ke paas, chalo main plate A ke bare mein baat kar raha hu, this is let us say plate A, let us say this is plate B, ye wahi plate hai, ye wahi plate B hai. प्लेट ए के पास इनिशियली कितना चार्ज था, कमॉन, प्लेट ए के पास इनिशियली चार्ज था CE बाई टू, डू एग्री विद दिस? फाइनली उसी प्लेट ए के पास कितना चार्ज आता है, फाइनली उसी प्लेट के पास कितना चार्ज आता है, नॉट कितना चार्ज आता है, कितना चार्ज है उस प्लेट के पास, C अमाउंट ऑफ चार्ज फाइनली उसके पास। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि जब हमने इस कैपेसिटर प्लेट्स को इस सर्किट में कनेक्ट किया तो बैटरी ने और कितना चार्ज भेजा, बिकॉज देखो पहले से ही उसके पास CE बाई टू अमाउंट ऑफ चार्ज था एंड फाइनली उसके पास C अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में कनेक्ट करने के बाद बैटरी ने और फर्दर कितना चार्ज भेजा होगा, CE बाई टू, तो यहाँ पर आया होगा CE बाई टू। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर इनिशियली कितना था, CE बाई टू था और CE बाई टू आया, तो फाइनली ये चार्ज कितना हो गया, CE हो गया।
इज दैट क्लियर? जिस तरीके से मैंने सिखाया था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज भेजता है, सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल कितना भेज रहा होगा? नेगेटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ से अगर प्लस सी बाई टू निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा? माइनस सी बाई टू। इस प्लेट के पास इनिशियली कितना चार्ज था? इस प्लेट के पास इनिशियली माइनस सी चार्ज था, सॉरी माइनस सी बाई टू चार्ज था इनिशियली। जब हमने इसके साथ कनेक्ट किया इस बैटरी ने और फर्दर कितना चार्ज भेजा? माइनस सी बाई टू, देखो माइनस सी बाई टू, और फाइनली इसका चार्ज कितना माना? माइनस सी। तो ये है कहानी, इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इस सर्किट में कनेक्ट करने के बाद, चलो मैं यहां लिखता हूं, अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, कम ऑन स्टे विथ मी, थ्रू बैटरी, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है, ये अगर मैं तुमको पूछूं इस केस में, तो तुमको बोलना चाहिए सर सी बाई टू, सी ई बाई टू, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज फ्लोन थ्रू द बैटरी, ठीक है ना? सो अभी अगर मैं तुमको पूछता हूँ इन दिस केस, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस, तो पुराना लॉजिक क्या है? सर एक कॉलम अगर इस जगह से इस जगह तक जाता तो ई अमाउंट ऑफ वर्क होता, अगर एक कॉलम जाता तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क होता? ई अमाउंट ऑफ वर्क होता, लेकिन सर इसके थ्रू कितना चार्ज गया है? सी ई बाई टू, तो कितना काम होगा? ई इंटू सी ई बाई टू, दैट इज सी ई स्क्वायर बाई टू, एंड इन दिस केस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज मैंने क्या सिखाया था? पॉजिटिव टर्मिनल है और उससे पॉजिटिव चार्ज, ये तो पॉजिटिव चार्ज गया है ना, उससे पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज भेजता है तो एनर्जी दे के भेजेगा, इसलिए हम उसका वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे। तो वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस केस इज प्लस सी स्क्वायर बाई टू, इज दैट क्लियर? अच्छा हम निकालना क्या चाहते, मैंने बताया नहीं तुमको हम निकालना क्या चाहते, हम ये निकालना चाहते कि इस पूरे प्रोसेस में कितना हीट रिलीज होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस, इज दैट क्लियर? ओके, सो वर्क डन बाई दी बैटरी पता चल गया। अभी एक बार हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना होगा? चलो टेल मी, हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ई एम एफ ई है, दिस इज द फाइनल स्टेज, तो इसके पास एनर्जी कितना होगा? हाफ सी ई स्क्वायर माइनस इनिशियल, उसके पास कितना एनर्जी था? इनिशियल इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई टू था, तो कितना एनर्जी होगा? कम ऑन टेल मी, दैट इज हाफ सी इंटू ई बाई टू द होल स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं ना, ई स्क्वायर बाई फोर। तो एक बात बताओ इसमें आएगा क्या? दिस इज बेसिकली एट, दिस इज फोर सी स्क्वायर, लिख रहे हैं ना, एंड दिस इज माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दिस इज थ्री सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट, इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन ठीक है ना, फोर टू जै एट फोर, हाँ माइनस सी स्क्वायर, दैट इज थ्री सी स्क्वायर पे, सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि कैपेसिटर में एनर्जी और स्टोर हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर हैज इंक्रीज्ड। और मैंने क्या बताया था? वो स्टेटमेंट जो कि हमेशा वैलिड है कि बैटरी ने जितना एनर्जी सप्लाई किया, कम ऑन देख रहे हैं ना, बैटरी ने जितना एनर्जी सप्लाई किया, दैट विल बी स्टोर्ड एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इन दिस केस अगर हमको हीट कितना रिलीज हुआ वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इधर लेके आ जाते हैं, सो दिस इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस टेल यू, वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस, कम ऑन टेल मी कितना है? सी स्क्वायर बाई टू, सो इन दिस केस दैट इज सी स्क्वायर बाई टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, साइन के साथ लिखना है, प्लस थ्री सी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट। चलो हेल्प मी आउट, कितना होगा? दिस इज एट, दिस इज फोर सी स्क्वायर माइनस थ्री सी स्क्वायर, ठीक है ना? ओके ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा? दिस इज सी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट, सो दिस इज द हीट डिसिपेटेड इन द प्रोसेस, दैट इज सी ई स्क्वायर बाई एट। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमेशा ध्यान रखना है वर्क डन बाय बैटरी सही से निकालना है, साइन ढंग से पुट करना है। अगर तुमको डेल्यू लिखना है, इट इज ऑलवेज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज निकालोगे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, मजा आया पक्का? इसको अच्छे से नोट करो, समझो, खुद से करो, जब तक कन्विंस नहीं होते तब तक सोचो इसको लेके, ठीक है? ओके फाइन, सो लेट्स क्लोज इट हियर, बाय, टेक केयर।